नमस्ते सदावत सले मातृभूमि दिल्ली में जो कल हुआ या दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान जिस प्रकार से आतंकवादी हमले भारत में हुए भारत की संप्रभुता के ऊपर जिस प्रकार प्रश्न लगाए गए जिस प्रकार भारत की अखंडता पर प्रश्न लगाए गए जिस प्रकार भारत की अखंडता को चूर चूर करने का प्रयास किया गया हो इन सभी में अगर कोई शामिल है तो वो भारत के अलगाववादी संगठन शामिल हैं चाहे वो सीपीआई माओवादी रहा हो या फिर उसमें कुछ कांग्रेस के बंधु भी शामिल रहे होंगे मुझे लगता है कि ये सारा जो प्रकरण चला इस प्रकरण के पीछे खालिस्तान और पीएफआई जैसे संगठन उनके एन ऐसे कई एक एन जो जिनको कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट चलाते हैं भारत के अरबन नक्सल चलाते हैं उन सभी ने मिलकर इस बात का प्रदर्शन किया कि वो भारत को चूर चूर कर सकते हैं या भारत को चूर चूर करने का प्रयास करें, करेंगे उनमें ऐसे लोग सरा भास्कर जैसे लोगों का सपोर्ट या उसमें बहुत सारे अर्बन लीडर्स का सिनेमा सिनेमा जगत के लोगों का मुस्लिम लीडर्स का पीएफआई जैसे संगठनों का इनका सबका सपोर्ट यह दर्शाता है कि वो भारत को चूर चूर करना चाहते थे और वो तो कन्हैया कुमार नारे लगाता था कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और आगे के शब्द आप जानते हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार ने आर्टिकल थ्री हंड्रेड कैपिटल ए को खत्म करके दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने भारत में उरी या पठानकोट किया तो हिंदुस्तान ने उनको जवाब बखूब दिया मुझे लगता है कि आज ये जो इन्होंने किया है हमारे झंडे का अपमान किया है हमारे ध्वज का अपमान किया है उन्होंने हमारे पुलिस फोर्सेस के ऊपर तलवारों से जो हमला किया है यह खालिस्तानी मूवमेंट जो भिंडरवाला चला रहा था भिंडरवाला के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य इन लोगों ने किया है इनको भारत सरकार एक माकूल जवाब देगी और यह जो माकूल जवाब देने वाली भारत सरकार है यह इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि वहां पर फार्मर्स के नाम से यानी कि जिसको अन्नदाता भारत में कहा गया उन फार्मर्स के नाम से बहुत सारे लोग वहां पर थे इनोसेंट फार्मर भी इकट्ठे थे चूंकि सरकार को मुझे लगता है कि जानकारी रही होगी इस जानकारी में बीच में चूंकि फार्मर्स जुड़े हुए थे इसलिए सरकार ने कोई एक, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया लेकिन अब यह बिल्कुल क्लियरिफाई हो चुका है कि जो हमारे किसान हैं किसानों की आड़ में इन संगठनों ने जो कार्य किया देश भर की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो केंद्र की सरकार को हिलाना चाहती हैं केंद्र की के सरकार को डिस्टर्ब करना चाहती हैं विश्व पटल को एक गलत मैसेज देना चाहती हैं उन सब ने इस पर प्रहार किया भारत सरकार इसको देशद्रोह की तरह ले ऐसा मेरा आह्वान है ये देशद्रोह है और ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए इन लोगों के ऊपर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी की कार्रवाई इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करते समय की थी और तब उस कार्रवाई का परिणाम निकला कि बहुत सालों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर कुछ एक्शन ले ऐसा मैं आवाहन करता हूं और देश के हिंदुओं देश के लोगों देश के एक एक नागरिक जिसमें हिंदू जिसमें सिख जैन बौद्ध और सभी संप्रदाय शामिल हैं उन सभी का दायित्व तो बनता है कि भारत की अखंडता के लिए वो कुछ दो कदम आगे बढ़ाएं इन सभी को मैं आवाहन करता हूं कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग चाहे वो लखा सिंह रहा हो या फिर वो दीप संधु रहा हो ये गैंगस्टर्स हैं इन गैंगस्टर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इनके आंखाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इनको सपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसा मैं आह्वान करता हूं और यह पूर्ण रूप से खालिस्तानी मूवमेंट था यह पूर्ण रूप से पीएफआई का हाथ था यह पूर्ण रूप से वो जो सी का विरोध कर रहे थे उनका सपोर्ट था यह हम सबको मालूम था लेकिन इनोसेंट किसान न मरे ऐसी उदारता दिखाते हुए केंद्र सरकार ने उस समय स्टेप नहीं लिया लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इनोसेंट किसान अपने घर वापस जा चुके हैं कि उनको समझ में आ चुका है कि ये जो हमारे साथ खड़े लोग थे ये हमारे एक्चुअली साथ नहीं थे ये हमारे कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार को हिलाने का देश को डिस्टर्ब करने का किसानों को समाप्त करने का किसानों को उनकी जड़ जड़ हिलाने का और किसानों को इतना बदनाम करने का कि भविष्य में किसान दिल्ली की तरफ न देखे ऐसा उनका एक प्लान था किसानों को जब वो इस प्रकार से टारगेट करके आगे बढ़ते बढ़ बढ़े हैं तो विचार यह रहा होगा कि किस तरह से किसानों के मूवमेंट को समाप्त किया जाए किस प्रकार से किसानों को समाप्त किया जाए किस प्रकार भारत की प्रोग्रेस को रोका जाए किस प्रकार भारत की अखंडता को छूर किया जाए किस कर, किस प्रकार भारत की संप्रभुता के ऊपर प्रहार किया जाए किस प्रकार भारत को डिस्टर्ब किया जाए और भारत जिस कदम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उस तेजी को रोका जाए विश्व पटल पर उसको बदनाम किया जाए और उसके साथ जो गलत किया जा सकता है वो सब कुछ गलत किया जाए ये सब सोचकर यह किया गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही सिंधु बॉर्डर पर कुछ पंपलेट बांटे गए सिख फॉर जस्टिस की के, की तरफ से और एक दो करोड़ रुपए का या उससे ज़्यादा दो करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का एक इनाम घोषित किया गया कि दिल्ली के दिल्ली के लाल किले पर जो इंडिया गेट पर जो तिरंगा है उसको हटाकर वो खालसा का झंडा फहराएंगे तो उनको दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे ऐसे अनाउंसमेंट किए गए ऐसे पंपलेट बांटे गए और जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले भिंडरवाला जैसे लोग थे उनके शहादत हुई ऐसा ऐसा करके कुछ किताबें कुछ लिटरेचर बांटा गया और लोगों के अंदर आक्रोश भरा गया ये सब कुछ प्लांट वे में चल रहा था केंद्र सरकार उस पर एक्शन मुझे लगता है इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसमें हमारे इनोसेंट किसान भी शामिल थे जबकि ये किसानों का जो बिल है वो हंड्रेड किसानों के पक्ष में था और ऐसा नहीं ये जो पोलिटिकल पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां खुद शामिल थी इन बिलों को बनाने में क्योंकि जिस समय मॉडल एपीएमसी एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया था और राज्यों को दिया था और कहा था कि आप अपने यहां इसको इंप्लीमेंटेशन में लाएं जब वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया तो दो हजार में एक कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 2018-19 बिठाई गई थी जिसमें लगभग 31 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर इस कमेटी का गठन किया गया इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और सभी पार्टियों के लोग शामिल थे जिन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि इसके ऊपर हाई लेवल एक कमेटी बिठानी चाहिए यह हाई लेवल कमेटी ही इसको करवा सकती है क्योंकि राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग आपने सजेस्ट की इस बात को लेकर सात मुख्यमंत्रियों की एक हाई लेवल स्टैंडिंग कमेटी बिठाई गई थी जिसमें कमलनाथ और मिस्टर स्वामी जो जो उस समय कर्नाटका के, के चीफ मिनिस्टर थे उनको भी शामिल किया गया था और इस हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी कि आप केंद्र में केंद्र से कानून ले आइए और केंद्र का कानून लागू करवा दीजिए हाई लेवल चीफ मिनिस्टरों की कमेटी ने यह रिकमेंडेशन की थी उसके बाद यह दोनों सदनों से पास हुआ जिसमें यह पोलिटिकल पार्टी के लोग उसके सपोर्ट में थे और उसके बाद जब यह मूवमेंट शुरू किया गया कुछ किसानों ने कुछ कुछ ऐसे बिचौलिया वर्ग ने और इस खालिस्तानी मूवमेंट के लोगों ने जब इस पर काम करना शुरू किया भीड़ देखकर ये सारे उसमें शामिल हो गए और शामिल होने के बाद इन्होंने उसको उसको करने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम काम किया किया बढ़ाने एक एक व्यक्ति की पहचान इसमें है अकाली दल बाद में उतर के आया क्योंकि उसको लगा कि अब मेरी पॉलिटिकल हैसियत खत्म होती जा रही है तो अब अकाली दल उतर कर आया जिस जो कांग्रेस इनके सपोर्ट में खड़ी दिखाई दी उस कांग्रेस ने भी बिल के पक्ष में वोट दिया जो और राजनीतिक दल खड़े दिखाई दिए वो भी उसके पक्ष में थे उसमें अखिलेश यादव की पार्टी भी जो 31 लोगों की कमेटी थी अखिलेश यादव की पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी शामिल थे यानी कि पूरा का पूरा पोलिटिकल कुनवा इस बात पर था कि एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चरिस्ट की अगर आमदनी बढ़ानी है किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो वो आमदनी के ये उपाय करने ही होंगे इससे पहले भी ये पॉलिटिकल पार्टियां केंद्र सरकार को कहती रही कि ये करना ही होगा आपको याद होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी शरद पवार ये कह रहे थे राज्यों के साथ कि ये इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंप्लीमेंटेशन में लेकर आइए और जब वो विपक्ष में थे तब भी वो कह रहे थे कि आप इस प्रकार के कानून बनाइए जिससे कि किसानों को स्वतंत्र सफलता मिल सके और वो आगे बढ़ सके आज वही सब मिलकर इन तथाकथित किसानों इन तथाकथित लोग जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले जो भिंडर वाला की तस्वीरें बांट रहे थे जो देश में डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे पीएफआई जैसे संगठन सी के आंदोलन करने वाले संगठन वो सब पगड़ियां बांध बांध कर वहां पर बैठे हुए थे और वो ज्यादा से ज्यादा आग उगलने का प्रयास कर रहे थे ट्रैक्टर रैली तो एक बहाना था ट्रैक्टर रैली के आड़ में उनको यह डिस्टर्ब करना ही था इसलिए उन्होंने ऐसा डिस्टर्ब किया लेकिन केंद्र सरकार की धैर्य की परीक्षा अब समाप्त तो होती मुझे दिखाई दे रही है इसलिए इस पर एक्शन लेना अब उनकी मजबूरी हो गई है अब आज अगर उन्होंने एक्शन ना लिया तो इतिहास उनको बोलेगा कि आप सत्ता में थे और उसके बावजूद आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए अब संप्रभुता के ऊपर हमला होता रहा और आप चुप बैठे रहे मुझे लगता है कि आज पूरे देश को उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको हिम्मत मिले और वो इन परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकें जय हिंद जय जै भारत